किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं गोविंद पटेल। आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। लगभग जो है खरीफ का समय आ चुका है और अभी 7 जून जो चल रहा है। अब इधर देखेंगे हम लोग जो है अभी नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने अभी खेत में जो है पानी डालना चालू कर दिया है। हमारी मिट्टी कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको बता देना चाहूँगा, बलुई दोमट बोल सकते हैं। इसमें जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें बालू के भी आपको कण दिखेंगे और हल्की सी काली मिट्टी दिखेगी आपको, बलुई दोमट। पानी जो है अभी इसमें लगा रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं नर्सरी डालने के लिए। अभी मैं क्या क्या वैरायटी लगा रहा हूँ उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए हमारा जो खेत है वो 2-3 प्रकार के है। पहला ये है कि जो थोड़ा सा गहरा है, दूसरे नंबर पे जो आती है उसमें थोड़ा सा अपलैंड है, ऊपर है, और एक जो है और ऊपर है, मतलब कि जिसमें पानी की व्यवस्था आपको करनी ही पड़ेगी, तब जो है आपकी क्रॉप होती है। निश्चित तौर पर हमारा जो ये खेत देख रहे हैं इसमें जो है अभी रबी का क्रॉप लगा हुआ था, तो यहाँ पर पानी की अच्छी सुविधा है। ये वाली जो सेगमेंट देख रहे हैं, ये जो खेत लगभग आपको जो है 6 एकड़ का आपको नज़र आएगा, तो ये खेत में मैं लगा रहा हूँ MTU का 1075 वैरायटी। 1075 वैरायटी MTU का है, उन्नत वैरायटी है, कोई हाइब्रिड नहीं है। उसके दाने हल्के पतले होते हैं, 140-145 दिन की धान की वैरायटी है और वो गिरता नहीं है, वो चीज़ अच्छी बात है। एक नूजी वेदू का साधना इससे पहले मैं लगाता था, मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी है, वो भी नहीं गिरता है। लेकिन वही धान कितने बार रिपीट करें बोल के इस बार जो है 1075 वैरायटी को जो है ये पूरा जो अपना 6 एकड़ का खेत है इसमें जो है लगाने वाले हैं। दूसरे नंबर की जो खेत है जहाँ पे थोड़ी सी पानी आपको देना पड़ेगा, उस सेगमेंट में हम लोग जमुना लगा रहे हैं, 5 जमुना 804। मैंने उसका बीज नहीं खरीदा है, मेरे घर का बीज था उसी को मैंने अच्छे तरीके से रखा था, उसी को जो है इस बार लगा रहा हूँ। तो एक्चुअल में क्या रहता है कि ये जो खेत है ये आप देखेंगे हर तरफ से जो है खेत से घिरा हुआ है, कहीं पर आपको रोड नज़र नहीं आएगा, तो ये खेत में आसानी से हम लोग जल्दी हमारे हिसाब से नहीं काट सकते। तो इसीलिए इसमें 1075 जो कि न गिरे, पकते रहे, आराम से रहे, 145-150-160 दिन भी हो जाए तो चलेगा, तो इसीलिए ये खेत में हो लेगा। दूसरा में जैसे कि मैंने आपको बताया हमने लगा रहे हैं जमुना, और जो तीसरा खेत है उसमें हम लोग लगा रहे हैं सिल्की वैरायटी लगेगी, और खाने के लिए जो लग रहा है उसमें अपना ये RNR 15048 जो शुगर फ्री वैरायटी है, पतला भी है शुगर फ्री भी है, उसको हम लोग लगा रहे हैं। निश्चित तौर पे अभी जो हम लोग जो अपना नर्सरी का प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसमें पानी डालेंगे, और अभी 7 जून है, लगभग हम लोग 15-20 जून के बाद ही जो हम लोग नर्सरी डालेंगे। तो अभी जो हम लोग इसमें नर्सरी डाल रहे हैं तो ये अभी जो है इसमें जो धान है अपना रबी का जो धान गिरा है, खरपतवार वगैरह हैं, वो अभी इसमें उगेंगे 2-3-4 दिन के लिए, अभी इसमें हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद फिर इसमें पानी डाल के हम लोग जो है रोटावेटर लगा के इसको जो है हम लोग अच्छे तरीके से कद्दू करके जो है बीज डालते हैं। नर्सरी की मात्रा की अगर मैं बात करूँ तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट रहती है। हमारा जो क्षेत्र है उसमें हम लोग जो है लगभग 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से, जैसे कि ये अपना जमुना सेगमेंट हो गया या फिर जो हल्का मोटा दाना वाला रहता है, तो 20 किलो पर एकड़ हम लोग रोपाई के लिए डालते हैं, और बुआई के लिए 30 किलो जो हम लोग पर एकड़ के हिसाब से डालते हैं। तो ये सारा खेत में अभी रोपाई होना है, तो लगभग 120-130 किलो अभी जो है इसमें नर्सरी डलेगी। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो नर्सरी जो हम लोग डालते हैं, तो बहुत से किसान भी रहते हैं जो उसको 24 घंटा पानी में डुबो देते हैं उसके बाद डालते हैं, हम लोग उसको 24 घंटा पानी में डुबो के उसको अंकुरण करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है डालते हैं। तो फिलहाल ये तो इस बार खरीफ सीजन चल रहा है, और इस बार जो है हमारे छत्तीसगढ़ में 3100 क्विंटल जो है गवर्नमेंट इस बार खरीदी भी है, आने वाले टाइम में भी खरीदने वाली है। तो निश्चित तौर पर हमको जो है धान के खेत में ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आने वाली वीडियो में हम जो है धान के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, कैसे हम लोग ज़्यादा उत्पादन लें उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।